अरे निधि की धमकियों को आप इतनी सीरियसली क्यों ले रहे हो? सीरियसली लेना पड़ेगा। उसने कहा है कि वो राजवीर को मुहर्रम बनाएगी। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। उसने दीप पे इतने जानलेवा अटैक्स किए हैं। अगर उसने राजवीर को भी कुछ, ये कोई छोटी मोटी धमकी नहीं है गुरप्रीत जी। नहीं, छोटी मोटी धमकियां तो नहीं है, पर ऑटो। अच्छा गुरप्रीत जी, मुझे ऑटो मिल गई है, मैं निकल रही हूँ, जा रही। थैंक यू गुरप्रीत जी। हाँ, हाँ जी, पट्टे की बात कर रहे थे ना? हाँ। सृष्टि कहाँ गई? सृष्टि मार्केट तक गई है। अरे लेकिन अभी तो उसने बोला ना कि उसको चाय पीनी है, तो मैं चाय बना रही थी और वो निकल गई। हाँ, उनको कुछ सामान लेना था तो कहते मैं सामान ले लेती हूँ, चाय नहीं पीऊंगी अभी। कमाल है। नहीं, उसे काम था, ये तो उसने मुझे भी बताया था। लेकिन मुझे भी काम था तो मुझे भी जाना था, मैं भी क्यों चाय बनाती, मैं भी जाती ना फिर। खैर अब कोई बात नहीं, खाना बना देती हूँ, फिर मुझे भी कुछ काम है तो मैं भी जाऊंगी। ठीक है। अरे अब्बा, शायद तब तक सृष्टि जी वापिस ही आ जाए। प्रसाद सच में बहुत अच्छा है ना? मैं थोड़ा और ले लूं प्लीज। नहीं, ये वाला नहीं। सॉरी, कुछ तो गड़बड़ करने वाला है, पता करना पड़ेगा इसके दिमाग में चल क्या रहा है। पलकी, क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? कोशिश भी मत करना। क्या कोशिश मत करना मैम? मेरे सामने ना ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। सब दिख रहा है मुझे, मेरा बेटा आगे आगे, तुम उसके पीछे पीछे, सारी पिक्चर क्लियर है मेरे सामने। जो तुम करना चाह रही हो ना, मत करो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही निधि मैम। मैं ना तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम्हारी दुनिया देखी है मैंने, और तुम आज जहाँ हो तुम वहां अपनी जगह बनाना चाहती हो, ये भी बहुत अच्छे से देख रही हूँ मैं। शौर्य से दूर रहो। मटर पनीर, जीरा राइस और सब्जियों वाला पराठा बना ली थी, उसे बहुत पसंद है ना। कभी कभी पता नहीं क्यों मुझे राजवीर के बचपन की याद आ जाती है, कैसे सृष्टि और मैं उसे बिठा कर अपने हाथों से खिलाते थे। आज ऐसा करूंगी, आएगा ना तो उसे सामने बिठा दूंगी, अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। ऐसे भी ना इधर से उधर घूमता रहता है आजकल, मेरे साथ तो टाइम ही नहीं स्पेंड करता है बिल्कुल। तेल ऐसे क्यों गिर गया? माँ कहती थी कि तेल ऐसे गिर जाए तो अपशगुन होता है। जी, ऐसे क्यों सोच रही हूँ? राजवीर भी घर पे नहीं है, या तो मेरी आंखों के सामने होता ना, मुझे ऐसे टेंशन नहीं होती। जाके देख के आऊँ क्या? वो ठीक तो है, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं, इसलिए ऐसा अपशगुन हो गया। ऐसे मुझे ऐसे सुपरस्टिशंस में पढ़ना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं होती। चलो एक बार उससे फोन पे बात कर लेती हूँ। भी ऐसा हुआ है कि मैंने राजवीर को फोन किया और उसने उठा लिया हो एक बारी में? फोन
फोन ही नहीं उठा रहा है। मैं क्या करूं, दिल इतना घबरा रहा है। एक तो जब भी लूथरा हो जाता है ना तो मेरी जान अटकी रहती है कि कुछ गलत ना हो रहा हो या कुछ गलत ना हो जाए उसके साथ। खुद ही जाकर देखूं क्या? जब तक मैं उसकी शक्ल नहीं देख लूंगी ना मेरे दिल को चैन नहीं पड़ेगा। रीता जी क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? वो कुछ नहीं। वो क्या हुआ है, आप ठीक तो हो ना? टेंशन में लग रहे हो बहुत ज्यादा। नहीं टेंशन नहीं, मैं एक्चुअली मेरा दिल बहुत घबरा रहा था इसलिए मैं ना जरा कहीं जा रही हूँ, होके आती। दिल घबरा रहा है, क्या हुआ है बताओ तो सही। नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है ऐसे, या मुझे पता नहीं क्या हुआ है। आप मेरा एक काम करेंगी? हाँ बोलो। मैं खाना बना रही थी, बस 10 मिनट में सब हो जाएगा, आप गैस बंद कर देना। कर देंगी ना? मैं कर लूंगी, पर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आपको क्या हुआ है, आप ठीक हो ना? हाँ नहीं मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो मैंने आपको कहा था ना मुझे भी कुछ काम है बाहर का, तो मैं वो करके आती हूँ। आप प्लीज खाना देख लेना, चले नहीं। हाँ मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन अरे खाना तो खा के जाती प्रीता जी। अरे बाप ये कहाँ चली गई है, और वो भी इतनी तेजी से गई है कि पक्का ये कुछ तो छुपा रही है। क्या छुपा रही होंगी, मेरे को तो घबराहट हो रही है। शौर्य कहाँ रह गया यार, अब तक आया नहीं। शौर्य शौर्य सो एक्साइटेड। वैसे शौर्य के आज तेवर कुछ बदले बदले से नहीं लग रहे, अचानक से इतना फैमिलीपन, इतना प्यार, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी वार्मथ। ऋषभ ये सारा फैमिलीपन, वार्मथ, अपनापन सब मेरी वजह से, क्योंकि आज से मैंने अपने बेटे को अपना दोस्त बना लिया, द बेस्ट फ्रेंड हम बन गए। ये दोस्ती के फूल खिल रहे धीरे धीरे लेकिन जल्दी जल्दी, इसलिए आज तू भी मेरा पक्का दोस्त है। सारे मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं आज। I'm so sorry guys. वो एक्चुअली सबको ऐसे हंसी, आप लोगों को ऐसे खुश देख के मेरी भी खुशी वाली हंसी निकल आई। वैसे अच्छा लग रहा है ना ये फैमिली गेट टुगेदर, प्यार मोहब्बत, रिश्ते नाते। I'm really excited. अच्छा वो सब तो ठीक है, पर आप दोनों थे कहाँ पर? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, नीति मॉम, और आप पता नहीं कहाँ थे, कहाँ गए थे? वो एक्चुअली हम लोग मंदिर गए थे, वहाँ की दही हांडी देखने, बहुत अमेजिंग पिरामिड बनाया था। हाँ। really nice. मजा आया। क्यों हमारे घर की अच्छी नहीं थी? बहुत अच्छा था, मंदिर का फर्स्ट टाइम देखा ना। वैसे ये स्क्रीन किस लिए? वो हमें सरप्राइज देने वाला है। हाँ कल रात को जो जन्माष्टमी का फंक्शन हुआ था ना, शौर्य ने उसकी कोई रिकॉर्डिंग की है पूरी फैमिली के साथ, वही क्लिप हमें दिखाने वाला है। I'm so happy. पहली बार शौर्य ने किसी फैमिली फंक्शन में इतना इंटरेस्ट दिखाया है। शौर्य ने रिकॉर्ड किया है तो देखेंगे तो सही हम लोग। I'm so excited to see. मैं भी बहुत excited. और फिल्म का नाम पता क्या है? रासलीला। I'm over excited. क्योंकि ये क्लिप मेरे शौर्य ने बनाया है। अभी पता चल जाएगा कि शौर्य ने क्या बनाया है। एक दही हांडी घर में हुई, अब एक दही हांडी स्क्रीन पे होगी। ऐसी मूवी चलेगी, सब देखते रह जाओगे। मेरा ही तो प्लान था, एक एक करके वीडियो चलेगी, सब देखते रह जाएंगे। इन शॉर्ट प्रीमियर तो मैं कर चुकी हूँ, पिक्चर अब रिलीज होगी। पूरी फैमिली के सामने वो ओ आ आउट साउंड क्यों करवाना है शौर्य को? एनीवेज मुझे अपने काम के पैसे मिल गए, काम करो और निकलो यहाँ से। अबे बेटा तेरे पापा ने जो आज एक्साइटमेंट का माहौल बनाया ना इस घर के अंदर, yes, I'm excited. इसको और एक्साइटेड बनाते हैं। हाँ तू ना कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट कर बेटा। फिल्म देखेंगे कुछ मजा दुगना हो जाएगा। काव्या एक मिनट यही रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। भाई भाभी किचन में है, कोई नई हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी पता की है उसने, वही बना रही है हम सब के लिए, तो हम सब वो हेल्दी ड्रिंक पीना होगा। सारी एक्साइटमेंट की तुमने धज्जियां उड़ा। मैंने अरे अपनी भाभी को समझाओ यार, कुछ तो अच्छा बना ले यार। पुत्र टेंशन ना कर, समोसे आ रहे हैं। समोसे के साथ हरी मिर्ची और वो नमक डाल के जो फ्राई करते हैं ना, मतलब वो मिल जाए ना तो मतलब मजा ही आ जाए। सुनो हेलो कंट्रोल योरसेल्फ। नहीं हो रहा ना कंट्रोल, इसने कहा मतलब माहौल ही इसने एक्साइटेड कर दिया। बस कर
बेब्स अब क्या करेगी तू? आई मीन ऑलरेडी इतना कुछ कर चुकी, तेरी हंसी बता रही है कोई ना कोई तड़का तो तू जरूर मारेगी। अब पता भी उन्हें क्या वाला है यहाँ, और ये स्क्रीन इस पे क्या दिखने वाला है? Come on, tell me. प्रीता का आखिरी रास्ता, इस घर में आने वाला उसका आखिरी कदम, उसका आखिरी मोहरा, उसे इस घर से हमेशा के लिए बैन कर दूंगी। आज देखना उस राजवीर की जो पिक्चर चलेगी ना इस स्क्रीन पे, मजा आ जाएगा। पिक्चर मतलब? अरे दिमाग लगा, रोमांटिक वाली पिक्चर तो उस वाली, उसके बाद देखना ये जो घर वाले हैं ना, जितने भी प्रीता और उसके लवर्स हैं, सब उसे हमेशा हमेशा के लिए बैन कराएंगे। टाइम देखो भैया, इतना टाइम हो गया, दो दो मिनट बोल के आपने इतना टाइम लगा दिया ना। ऑटो में गैस भरवाना है, गैस भरवाना है, अब मैं इतना, मुझे इतना लेट हो रहा है पहुंचने में, अब क्यों गाड़ी खड़ी है, चलो ना। मैडम देखिए ना, रेड सिग्नल है। ओ अच्छा, सॉरी। हाँ निधि से जो हिसाब किताब पूरा करना है वो तो है ही। एक्चुअली मुझे देखना ये है कि राजवीर इतनी देर से वहां कर क्या रहा है, मतलब इतना टाइम हो गया अभी तक घर क्यों नहीं आया है, ऐसी कौन सी मटकी फोड़ने गया जो अभी तक फूट ही नहीं रही है, इतने घंटे लगा दिए दही हांडी में, इस लड़के ने ना मेरा दिमाग खराब करके रखा है। अच्छा हुआ दी से मैं बच के निकल गई, अगर दी मुझे देख लेती तो मेरे साथ लूथर हाउस जाने की जिद पकड़ लेती। चलो 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 चलो। जी मैडम। चुप, बिल्कुल चुप। बस मैं बोल रही और तुम सुन रहे, तुम चुप रहोगे, समझे तुम? नौ चुप, मैं क्यों चुप रहूं? कुछ तो बोलूंगा। बोलो, कुछ तो बोलो। कब कब तुमको आज जो कहना है ना कह दो। हाँ कह दो, चुप रहो। तुमने ना, तुमने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है यार। मैंने दिमाग खराब करके रख दिया? तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? कौन हो तुम? हो कौन तुम? ने मुझे क्या बोला कि मैं शौर्य से बात ना करूं? क्यों ना करूं? और तुमने मुझे बोला कि मैं ऐसे कपड़े ना पहनूं? कैसे कपड़े? तुमने बोला कि मैं लो क्लास हूँ, मैं गंदे कपड़े पहनती हूँ। क्या खराब है इन कपड़ों में? कितने अच्छे तो है। और मैं क्या आजाद देश की गुलाम? नहीं, मेरी लाइफ है, मेरा लाइफस्टाइल, मेरे कपड़े, मेरे जो मन जाएगा मैं पहनूंगी। तुम होते कौन हो? पहनो पहनो, जितने कपड़े पहनना है पहनो, कुछ ही देर में तुम्हारे सारे कपड़ों के रंग ढंग उतर जाएंगे। एक सेकंड, वो कपड़े का मैंने कब बोल? अभी दो मिनट पहले बोला तुमने, तुमने मेरे कपड़ों को बोला। सॉरी, माफ कर दो। लेकिन मुझको तो याद है, कपड़े का मैंने नहीं बोला। बोला 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 बोला। चल ओके बाय। एक 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 सेकंड, वो जो है उधर वो वॉशरूम है।
दरवाजा यहाँ है। बॉय इधर। बस पता है मुझको, मैं लिपस्टिक ठीक करने जा रही हूँ। ओ ठीक है। hey, एक सेकंड फ्रीज। वो जो है ना वो ठीक है, मतलब लिपस्टिक ठीक है। तुम्हें कैसे पता? तुम लड़की हो? हाँ। अच्छा। नहीं, नहीं, मैं लड़की कैसे हो सकता? लेकिन मुझको दिखाई तो देता है। तुमको कुछ दिखाई नहीं देता, तुम कुछ नहीं जानते, तुम उल्लू उल्लू। कमला, पता नहीं निधि जी को अपने बेटे में ऐसे कौन से गुण नजर आते हैं जो मुझे नहीं नजर आते। मैं उस सड़ू में इंटरेस्टेड नहीं, और मैं उसके पीछे क्यों जाऊंगी? वो मेरे सामने आता है, अब मैं उसके सामने जाऊंगी और उसे ढेर सारी डांट लगाऊंगी। अच्छा राजवीर, राजवीर आओ। दुपट्टा फस, राजवीर रख दिया, यही तो था यार, अभी तो यही था। ओह, अगर ये रिमोट मुझे अभी नहीं मिले ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे उन दोनों की पूरी रासलीला देखनी है, पूरे घर वालों को भी दिखानी है। दिस इज द राइट टाइम, द गोल्डन चांस। अभी एक अटैक करूंगा ना, राजवीर इस घर से, अपने करियर से, अपने खुद के कैरेक्टर से फिनिश हो जाएगा। इसके बाद मैं उन सब से सवाल करूंगा कि बड़ा अपने राजवीर को हीरो समझते थे ना, देखो घर के अंदर लड़की लेकर आया, रूम के अंदर ले गया, खाया पिया, डोंट नो, असली चेहरा बाहर। राजवीर अब तो फंसेगा, कहां रह गया, कहां रह गया वो, ये रहा। थैंक गॉड मिल गया मुझे रिमोट। यहाँ क्या कर रही है? इसे तो राजवीर वाले रूम में होना चाहिए था। शनाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? Oh my God, are you okay? बहुत हाई। Anyway, तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हें तो उस कमरे में होना चाहिए। Of course, तुम्हें कैसे पता होगा? मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। कम, let me help। डोर भी खुला है। Let me. डोर कैसे लॉक हो गया? मैं कैसे बाहर जाऊंगा? ये कैसे बाहर जाएगी? गॉड, ये क्या किया तुमने? हाँ, hey, I'm talking to you. गॉड, ये तो बेहोश हो गई। Oh my God, अब ये मैं, हम दोनों इस रूम में, मेरा प्लान फेल। नहीं, ये नहीं हो सकता। शनाया,
पलकी। अच्छी तुम ठीक हो? अच्छी शनाया, क्रेजी वुमन, उठो उठो यार, उठो, मेरी हेल्प करो। आह, जिस रूम में लॉक कर दिया, मेरा दरवाजा खुल नहीं रहा। Somebody's gotta help me. ये क्या किया तुमने? हाँ, रूम में लॉक कर दिया तुमने, इतना ज्यादा काम है मुझे बाहर। शनाया, शनाया उठो, क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी वजह से मैं रूम में लॉक हो गया हूँ, तुम्हें आइडिया भी है इस चीज का? क्या क्या शौर्य, तुमको पता है तुमने क्या किया है? तुम्हारी वजह से हम दोनों इस रूम में लॉक्ड हैं। दरवाजा खुलवाओ, मुझे नहीं पता कैसे भी दरवाजा खुला है। तो क्या हो गया? क्यों दरवाजा खोलना है? आई मीन, तुम हो, मैं हूँ, हम दोनों बैठेंगे ना, बातें करेंगे। क्या 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 बातें, क्या सब करेंगे? तुम्हें आइडिया भी है तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुम्हारी वजह से इस रूम में लॉक हो गया हूँ, मैं पैक हो गया हूँ, मैं बाहर भी नहीं जा सकता। I can't believe this. तुम मुझे ऐसे बात नहीं कर सकते शौर्य, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो कैसे करूं? रॉन्ग नंबर लग गया है तुम्हारा। तुम्हें इस वक्त मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ, कोई और कमरे में होना चाहिए था शनाया। किसके साथ होना चाहिए था? तुम्हें इस वक्त राजवीर के साथ होना चाहिए था, जिस कमरे में मैं तुम्हें छोड़कर आया था। सब लोग आ जाओ, देखते हैं शौर्य ने क्या बनाया है। रासलीला बाय शौर्य लूथरा, माय बेस्ट फ्रेंड। अब शुरू होगी असली पिक्चर। फैमिली मैन अब रोमांटिक मैन बन जाएगा, गेट रेडी। मैं भी ना किसे समझा रहा हूं, दरवाजा नहीं खोल पाएगा। सैंडी, सैंडी को फोन करता हूं। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। ये कहर कब ढा गया घर में? ये बेडरूम में किसने लगवा दिया सीसीटीवी कैमरा? शनाया, लेट मी गो। शौर्य, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं बताया शौर्य, मैंने हर दम ना मैं मुझे देखते हुए देखा। जब भी मुझे देखते हो ना, बहुत प्यार भरी नजरों से देखते हो। हमेशा मेरा पीछा करते रहते हो। अच्छा एक बात बताओ, मुझसे प्यार करते हो ना? शौर्य, अगर तूने ना बोल दिया, अगर तूने ये बोल दिया कि तुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, कि तू हेट करता है इसे, फिर तो ये लड़की तुझे फ्यूचर में कभी भाव नहीं देगी। और अभी तुझे इसकी बहुत जरूरत है। आई वॉन्ट कि ये मुझे लाइक कर, मेरे आस पास रहे, सो दैट ये सब देख के राजवीर हॉट होता रहे। बोलो ना, यू लव मी राइट? या शनाया, आई लाइक यू। अरे वो कहाँ है रिमोट? ए बंद करो इसको, जरा इसको बंद करो। तुम लोग भी क्या बच्चों की? अरे क्या ऋषभ, बहन देना है। अरे ये रुक जा, ये स्क्रीन कोई नहीं बंद करेगा, और अगर बंद किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऋषभ पुत्र, बात समझने की कोशिश कर। पहली बात तो ये है कि आजकल के बच्चे अपने दिल की बात कभी किसी को बताते ही नहीं है। कम से कम इस स्क्रीन को देख के उनकी दिल की बात पता तो चल जाएगी। पता चल जाएगा किसके साथ क्या रिश्ता है, किसके दिल में किसके लिए क्या है, उनकी ही जुबानी। तो चलने दे, देखने दे हमें।
थी। पता है, सबको पता है, सबको पता है, बस तुम्हें नहीं पता है। और पता नहीं सबको कैसे पता है, मैंने तो कभी किसी को बताया ही नहीं। हाँ। क्या सबको क्या पता है? सबको सबको ये पता है दैट आई रियली 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 लाइक यू परकीश। आप ही से प्यार रहे।